भारत कनाडा तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक कनाडा के नागरिकों का वीजा पे रोक। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बड़ा बयान, कहा कनाडा में भारतीय राजनयिकों को खतरा, कनाडा दूतावास के कर्मचारी किए जाएंगे कम। भारत ने कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा पर जताई चिंता, कहा सुरक्षा कारणों की वजह से कनाडा नागरिकों का वीजा सस्पेंड किया गया। कनाडा के साथ रिश्तों में और बड़ी तल्खी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को बताया आतंकियों का पनहगार। भारतीय ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता करें, पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर है। गुरपंत वंत सिंह पन्नू समेत 20 खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में आए साए, भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने कनाडा की जांच एजेंसियों को कई बार इसकी सूचना दी है। कनाडा के पेनीपैक सिटी में भारत से फरार गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा की गोली मारकर हत्या, खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप का राइट हैंड था सुखा। एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था गैंगस्टर सुखा, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखा की हत्या की जिम्मेदारी ली। खालिस्तानी पन्नू के खिलाफ कनाडा के हिंदुओं ने उठाई आवाज, एक हिंदू संगठन ने सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की। हिंदू संगठन ने खालिस्तानी पन्नू के बयान को हेट क्राइम बताया आतंकी नेचर, और पन्नू ने कनाडा के हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी, कार्रवाई की मांग की। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पे बहस, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। जेपी नड्डा ने कहा भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बड़ा स्थान, अध्यात्म से अध्यापन तक नारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज राज्यसभा में पास हो सकता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा में ये बिल कल हो चुका है पास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लोकसभा में कल एक स्वर्णिम पल था, मातृशक्ति का भरोसा देश को नई ऊंचाई पे ले जाएगा, समर्थन के लिए सभी सांसदों का आभार। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होते ही बीजेपी ने शुरू किया धन्यवाद अभियान, यूपी से शुरुआत, महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को देंगी धन्यवाद। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, स्टेशन पे कुलियों से बात की, कुलियों के बीच उनके ही रंग में रंगे नजर आए राहुल, कुली की लाल रंग वाली वर्दी पहनकर सामान उठाया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वीडियो। कुलियों से राहुल गांधी ने बातचीत की, कहा कुलियों ने एक वायरल वीडियो में जताई थी राहुल से मिलने की इच्छा। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा इत्मीनान से राहुल गांधी ने जाना कुलियों का दर्द, जारी है भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी ने कहा मेहनतकश कुलियों का मजाक उड़ा रहे हैं राहुल, पूछा अब तक लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए। राष्ट्रपति मुर्मू और सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया, यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड शो में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने भव्य प्रस्तुति से समा बांधा। दो हजार से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 66 देशों के बिजनेसमैन भी पहुंचे एग्जीबिशन में, लगे सैकड़ों स्टॉल्स, मुरादाबाद की ट्रॉफियां लोगों को कर रही हैं आकर्षित। इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेक इन इंडिया की झलक, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ से संबंधित स्टॉल्स लगाए गए। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने मोटोजीपी अरीना में केटीएम राइडर ब्रांड बाइंडर की गेंदबाजी की, शुक्रवार से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगी देश की पहली मोटोजीपी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता। एमपी के ओमकारेश्वर में मधानता पर्वत पे एकात्म धाम की परिकल्पना साकार, सीएम शिवराज की मौजूदगी में स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण, यज्ञ अनुष्ठान का भी आयोजन। नर्मदा नदी किनारे कई धातुओं से बनी है आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा, बनाया गया है शंकराचार्य के 12 साल के बालक स्वरूप को।
कमल के आकार के 54 फुट ऊंचे आधार पर प्रतिमा स्थापित 28 एकड़ में फैले एकात्म धाम परिसर के निर्माण पे करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत आई। आदि गुरु शंकराचार्य ने आध्यात्मिक सांस्कृतिक और भौगोलिक स्तर पे राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात किया था। ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक भी बनाया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित कर एमपी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य ने 4 साल तक निवास किया था। लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, बेटे इब्राहिम के साथ लिया बापा का आशीर्वाद। मुंबई के लालबाग राजा के दरबार में उमड़े श्रद्धालु, गणपति के किए दर्शन। ठाणे में भक्तों ने 1.5 दिन के गणपति को विदाई दी, अगले साल फिर बप्पा के आने की कामना की। गणपति विसर्जन को लेकर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कसी कमर, बनाए 141 आर्टिफिशियल तालाब। त्यागराज में 83 साल की सीता की अनूठी आस्था, घर के बेकार सामानों से बनाई गणपति की कलाकृति। अमृतसर में दुकानदार का अनोखा कमाल, दुकानदार ने बनाया देश का पहला संगीत पत्र। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने हिस्सा लिया। पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापना समारोह का आयोजन, जवानों ने फहराया राष्ट्र ध्वज। कार्यक्रम में शामिल हुए शहीद जवानों के परिजन और पूर्व सैनिक, अधिकारियों ने शहीद के बच्चों को सम्मानित किया। जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मेट्रो ट्रेन परियोजना के लिए रखी आधारशिला, कहा कई जगहों पर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचे रामनगर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में किया सफर। दिल्ली पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, नाभा हाउस का निरीक्षण किया। दौसा बीजेपी महिलाएं कार्यकर्ताएं नए संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी, महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगी। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। राजस्थान के दौरे पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा कोटा में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम भोला पासवान को श्रद्धांजलि दी, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी भी इसमें शामिल हुए। मदुरई में वरिष्ठ नेताओं को पुरस्कार, अनुदान और कल्याण सहायता के वितरण कार्यक्रम का आयोजन, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन शामिल हुए। हिमाचल के कांगड़ा पहुंचे सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, धर्म गुरु दलाई लामा से की मुलाकात। वाराणसी के लोलार्क कुंड में संतान प्राप्ति की कामना के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, मान्यता को लेकर होती है काफी भीड़। स्नान को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह पे तैनात किए गए थे जवान। जम्मू कश्मीर में पहले एयर शो की तैयारियां जोरों पे, आसमान में भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। जम्मू में वायुसेना स्टेशन पे होगा पहला एयर शो, कल होगा शानदार आयोजन, आकाश में दिखी वायुसेना की रिहर्सल। रेल हादसे में मारे गए यात्रियों के आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे में 10 गुना का इजाफा, अब 50,000 रुपए की जगह मिलेगी 5 लाख की मुआवजा राशि। रेलवे ने संशोधन को लेकर जारी किया नोटिस, ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वालों को 25,000 की जगह 2.5 लाख रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी के व्हाट्सएप चैनल ने पकड़ी रफ्तार, 1.4 मिलियन तक पहुंची फॉलोअर्स की संख्या।